बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुलरहमान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीवर्स। नए दिन के साथ नए ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, जैसे हमने बताया था कि भाई यहाँ पॉडकास्ट का सेटअप बन रहा है, वीडियो आ गई थी, काफ़ी लोगों ने पसंद करी, और इसी के साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि ब्लॉग्स भी आते रहेंगे, तो बिल्कुल आते रहेंगे भाई। अभी जो है ना, पानी वगैरह पिलाया जा रहा है, और इस बछड़े को खोल के वहाँ क्यों बांध दिया भाई, वो इस वजह से क्योंकि भाई एक न्यू एंट्री होने जा रही है, ऑन द वे है, पंजाब से आई है, हमारे क्लाइंट है उनकी, ओवरसीज़ क्लाइंट है उनकी है, तो अभी जो है ना वो आ रही है, तो इसलिए हमने उसको वह यहाँ बांध देंगे, और वो छोटा है तो उसको हमने वहाँ बांध दिया। लेकिन अब वो छोटा भी छोटा नहीं रहे, वो अगर दूसरों ने देखा हो जब वो आया था तब तो खैर छोटा था, मगर अब जो है ना काफ़ी उसने जो है ना माशाल्लाह, ये देखें, अभी तो डर रहा है मुझसे क्योंकि मैं वैक्सीनेशन वगैरह करता हूँ, लेकिन मुजफ्फर भाई आप ही देख के बता देंगे भाई माशाल्लाह कैसा हो गया है भाई माशाल्लाह से। तो खैर ये तो 2026 की चीज़ है, इसकी उम्र अभी वैसे कम है, 6 महीने का है, और वहाँ चमचम भी आ गई भाई माशाल्लाह पानी वगैरह पीने। यहाँ पर जो है ना ये सुल्तान को खोल रहे हैं, और इसी के साथ साथ अभी मिट्टी भी उतरवाई थी क्योंकि बारिशों में मिट्टी वगैरह इस्तेमाल हुई थी। ये देखें माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ओए होए होए, सुल्तान भाई अपनी फुल मस्तियों में, और वो देखें भाई चमचम भी जा रही है, मस्तियाँ कैसे कर रहा है सुल्तान क्योंकि नकेल हम लगाते नहीं है, उड़ते पकड़ के रखना टाइट, मैं पीछे हो जाऊं भाई मस्ती कर रहे हैं माशाल्लाह। अभी अली भाई की जो है ना देखें धनी आ गई है माशाल्लाह से, और धनी ने भी माशाल्लाह काफी कट काफी अच्छा कर लिया है माशाल्लाह। ये देखें अभी भी उम्र की छोटी है, दो दांत अभी तक नहीं हुई है, खीरी है, तो इंशाल्लाह काफ़ी अभी भी कट काट काफ़ी अच्छा करेगी। ये देखें भाई माशाल्लाह, थोड़ा चलाओ इसको, चलाओ मस्ती कराओ इसको, देखिए भाई माशाल्लाह, ओए 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जिस बछड़े का इंतज़ार था आ चुका है, अभी खैर पंजाब से सफ़र करके आया इसलिए थोड़ा टूटा हुआ है, सिंग वगैरह भी इसके बने हुए हैं, तो वो भी देखना पड़ेगा सारी चीज़ें। चले भाई माशाल्लाह, बछड़ा तो काफ़ी अच्छा है, और उम्मीद है ना, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। लोडिंग हो रही है इसकी भाई, अभी थोड़ा गंदा हो रहा है, ज़्यादा सफ़र पर आया और स्प्रे स्प्रे वगैरह भी लगा हुआ है। खींचो खींचो खींचो, काफ़ी मेहनत है अभी, खैर बच्चे में काफ़ी जगह है इसकी भरनी है अभी, तो खैर चले भाई, सबका वेलकम जो है ना इधर से उधर से सब शुरू हो गए माशाल्लाह। आज है डे टू, और इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, पॉडकास्ट की तैयारी कहाँ तक पहुँची भाई ये देखते हैं। ये तो बता दिया था कि पेनाफ्लेक्स लग गया, अभी बाकी क्या क्या सामान था, वो टेबल था, पॉडकास्ट के माइक थे, कुछ ग्रीनरीज का सामान था, तो भाई वो कब आएगा, वो आ चुका है भाई, वो गाड़ी में, वो पहले निकलवाते हैं, यहाँ पर रखते हैं, उसको सेट करते हैं अपने थीम के हिसाब से, फिर देखते हैं कि आगे हमें और क्या क्या चीज़ों की नीड है, या अब हमारी नीड फुलफ़िल हो चुकी है, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, देखते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। गाड़ी में जो जो सामान पड़ा है वो निकाल के ना यहाँ पे रखते हैं, फिर देखते हैं अभी आगे कैसे हम सेट करते हैं, और चलें भाई। हाँ इन सब उठा लो, चलो ये उधर रख लो, चलिए भाई ये वो उठा के ले गए, बाकी जो है ये मैं उठा लेता हूँ, ये इसमें भाई माइक्स वगैरह हैं, ये मैंने उठा लिया, इसको यहाँ रखते हैं, सेटिंग करते हैं, देखते हैं कैसी चीज़ें रहती हैं, फिर जो है ना अपनी थीम आपको दिखाते हैं। चलिए भाई अब हमारा ये फ्रेम सेट हो गया है, इसको ऐसे पकड़ लो, बस इधर से पकड़ लो, कैमरे में हाथ आ रहा है, बस सही है। चलिए भाई हमारा फ्रेम सेट हो गया, अब मैं यहाँ पे बैठ के देखता हूँ कि भाई कैसा जो है ना ये पोज आएगा हमारा। यहाँ पर भाई ऐसे हम बैठेंगे, यहाँ पर इंशाल्लाह जो हमारे गेस्ट होंगे वो होंगे, ये जो चीज़ें साउंड रिकॉर्डर वगैरह, ये जो कैमरामैन होगा, ये सब उनके हाथ में होगी, कि पीछे कैसी नॉइज आ रही हैं वगैरह, ये ऐसे ऐसे लगा के ना वो हम अपना इको चेक कर सकते हैं, बैकग्राउंड वॉइस कैसी आ रही हैं,
ये सब चीज़ें हम ऐसा आराम से चेक कर लेंगे। तो खैर ये अभी हमारा इतना बना है कि पोजिंग तो हमारी सही आ रही है। अब इसमें जो नेक्स्ट हमें देखना है ना, वो बैकग्राउंड को थोड़ा और अच्छा करना है, जिसके लिए हम पीछे दिखाना ये आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह हम लाए हैं। तो फिर इसके ज़रिए ना फिर हम आगे और देखते हैं कि हम अपने बैकग्राउंड को और कितना अच्छा कर सकते हैं। तो जो हमारा मेन काम था, वॉइस क्वालिटी, पॉडकास्ट माइक, थीम, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सेट हुई भी हैं। थोड़ा सा जो पीछे का लुक आ रहा है ना यहाँ से और यहाँ से, ये तो हट जाएगा, तो इसको और थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, जिसके लिए हम चीज़ें लाए हैं। फिर इंशाल्लाह जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। तो बताइएगा भाई अभी तक कैसा जा रहा है? मेरे हिसाब से तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, देखेंगे कैसी चीज़ें रहती हैं इंशाल्लाह। अच्छा भाई, ये मैंने अपने ऑफिस में रख दिया है, क्योंकि फिर जब हमें नीड होगी पॉडकास्ट के लिए तो हम इसको फिर बाहर रखेंगे, ताकि मिट्टी वगैरह में ख़राब भी ना हो। सेटिंग मैंने इसकी एक ही दफ़ा कर दी है पूरी, तो बार बार मैं सेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ इसको उठा के वहाँ रखना होगा। अच्छा भाई, हमारा जो अभी लुक आया है ना, वो भाई ऐसा माशाल्लाह से लुक आ रहा है। हमने पीछे थोड़ी डिज़ाइनिंग दे दी है, जो हमारे पीछे हमारे बांस दिख रहे थे उसको हमने ग्रीनरी दी। अब हमारा जो फ्रेम कैसा आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो अगर वाइड एंगल में हम लेंगे ना फ्रेम, तो वो ऐसा आएगा जहाँ पे ऐसा, तो जहाँ पे हमारी ग्रीनरी तो दिखेगी, मगर ये नीचे की जो ये मिट्टी दिख रही है ना, इसमें हमें थोड़ा सा ग्रीनरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए ये इंच टेप आ गई है, तो वो मैं नाप लेता हूँ। तो लास्ट चीज़ जो मुझे लेनी है वो सिर्फ एक ग्रास कारपेट है, बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। तो ऐसा हमारा लुक है। अच्छा, और अगर हम सिंगल सिंगल एंगल्स के जो हमारे शॉट होंगे ना, वो ऐसे आएंगे, तो वो तो बिल्कुल सही आ रहे हैं, तो इसमें इतनी खैर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाइड एंगल में हमारे ऐसे शॉट आएंगे, इसमें हमें थोड़ी सी ऐसी ज़रूरत भी पड़ेगी पीछे जो है ना, वो फिर अगर उसके जो दूसरे शॉट्स होंगे उसमें भी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो हमारा ऐसा एंगल आ रहा है जो कि फ्रेम में अच्छा काफ़ी दिख रहा है। ये देखिए, आप लोग भी बताइए कभी कैसा लग रहा है पीछे बैकग्राउंड वगैरह। तो ये है यहाँ पर जो हमने करी है वो फ्लावर्स वगैरह लगाए आर्टिफिशियल, ताकि जो उसको थोड़ा और नेचुरल लुक आ जाए। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा जा रहा है अब तक, फ्रेम भी बेहतरीन आ रही है। तो फिर अभी इसमें इंच टेप वगैरह का हम नाप लेते हैं। ग्रीन ग्रास लास्ट चीज़ है जो हमारी आनी वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और नाप लेते हैं। फिर आगे इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट कोई चीज़ के साथ। और आप लोग बताएगा कभी फर्स्ट गेस्ट हमारा कौन होना चाहिए, आप उसको कमेंट में जाकर टैग कर दें, तो फिर हम उनसे रابطہ करेंगे कि भाई आप आएँ हमारे साथ पॉडकास्ट करें। इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम है मेरे लिए भी, अपने बेस्ट देंगे इंशाल्लाह। फिर देखते हैं कैसे वर्क करती है इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।